हेलो, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने वॉलमार्ट, और मैं अभी चाइना की मेट्रो में थी। मैं अंदर से आपको दिखा नहीं पाई कैसी है, वापस जाते टाइम दिखाऊंगी कैसी है। इंडिया से छोटी है। अब मैं मेट्रो से निकल के बाहर आ गई हूँ फेंगची रोड पे, और ये एक भाई साहब हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। पहले मैं वॉलमार्ट जाऊंगी, कुछ शॉपिंग कर रही है। मुझे बहुत दिन हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इंडियन फूड पेट भर के खाया ही नहीं है। इंडियन क्या, मैंने कोई भी फूड पेट भर के खाया ही नहीं है, और मैं पतली होती जा रही हूँ। और पतला होना अच्छा है, बट कमज़ोर होना इज़ नॉट गुड। और उसके बाद मैं जाऊँगी शायद कहीं घूमने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो बस स्टॉप आ गया, ये है चाइना। हेलो, इसका नाम है शाओलोखे। ये लड़का है बेचारा, मेरी हेल्प तो कर रहा है, लेकिन लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम है। हम ट्रांसलेशन यूज कर रहे हैं, इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और मुझे चाइनीज बिल्कुल नहीं आती, पर ठीक है यार, फिर भी हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है। और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है यहाँ का। और यहाँ पर ना सब लोग ऐसे छोटी छोटी, ऐसे मुझे लगता है बैटरी की बाइसिकल्स हैं ये। पेट्रोल तो शायद इनमें डलता ही नहीं, आवाज़ भी नहीं आती। मुझे मेट्रो स्टेशन के नाम याद नहीं है, लेकिन जो उनके ऊपर नंबर्स लिखे थे वो मैंने याद किया है। मैं नंबर 1 से मैंने मेट्रो में मैं आई थी, और नंबर 13 पर मैं उतरी थी। बाकी मैंने नाम के लिए फ़ोटो क्लिक करके रखे हैं। और यहाँ से वॉलमार्ट थोड़ा दूर है, तो मैंने यहाँ से कैब किया, और अभी मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट। पहुँच गई हूँ वॉलमार्ट, कैब से उतर गई हूँ, और आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर था। मैं नंबर 13 मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरी थी, वहाँ से कैब ली। 2-3 किलोमीटर ये दूर था, और 7.1 युआन आरएमबी, यानी कि करीब 70 रुपये लगे 2-3 किलोमीटर आने में मुझे। और ये मेरे पीछे है वॉलमार्ट। गलती हो गई, जिसको मैं वॉलमार्ट समझ रही थी वो कुछ और है, और चाइनीज में लिखा है सब कुछ। मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, थैंक गॉड मुझे ये लड़का मिला हुआ है। ये मुझे कह रहा है कि ये वॉलमार्ट नहीं है, तो अभी हम जाते हैं वॉलमार्ट। थैंक यू साई बाबा, कोई तो हेल्प के लिए मिला यहाँ, वरना मैं तो पहुंच जाती यहाँ पे। ये तो कुछ ओलंपिक्स का कुछ था शायद, आई थिंक। ये मैकडोनल्ड भी मिल गया फाइनली, अभी तक मुझे यहाँ आने के बाद मैकडोनल्ड मिला नहीं था। मुझे मिल गई है चाइना में सस्ती दुकान, और मैं बहुत खुश हूँ अब। ये वॉलमार्ट, कुछ भी जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा, खाना पीना ओढ़ना पहनना सब कुछ, एवरीथिंग। 80 रुपए किलो सेव, आई थिंक ठीक है, इंडिया में इसी के आसपास होते हैं। वैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कभी इस तरह का सामान खरीदने गई नहीं हूँ। काफ़ी चीज़ें ली हैं अलग अलग तरह के, यहाँ पे सेव हैं, और मैंने काफ़ी कुछ सामान अभी लिया है और ले रही हूँ, बाद में आपको बताऊँगी कि क्या कितने। ओके, दिस मच ओके। ये इसकी वेंग मशीन है, कुछ भी सामान खरीदो उसका वेट चेक करना है, यहाँ से चेक करो। एक चीज़ ख़राब है, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, बहुत कम, वेरी लिमिटेड। अगर इंग्लिश में भी कुछ लिखा होता है तो फॉरेनर्स को इजी रहेगा शॉपिंग करने में, वरना आपको किसी ना किसी चाइनीज़ की हेल्प लेनी ही होगी। 94 युआन यानी 94 आरएमबी का मैंने सामान लिया है सारा। यहाँ के हिसाब से तो मुझे सस्ता लगा, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये हो गया करीब करीब 940 रुपये, जिसमें ये सारा सामान मेरा ठीक से। एक्चुअली मैं वीडियो भी अपने फ़ोन से बना रही हूँ, मैं बहुत जल्दी एक कैमरा लेने वाली हूँ, फिर उसमें क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मेरा प्लान था कि शॉपिंग के बाद मैं एक टूरिस्ट पॉइंट है वेस्ट लेक, वहाँ जाऊँगी, लेकिन बाहर निकल के देखा तो बारिश हो रही थी, और मेरे पास काफ़ी सामान भी हो गया जो कि मतलब काफ़ी हैवी है, तो मज़ा नहीं आएगा इतना हैवी सामान लेकर घूमने में। तो मैं प्लान बना रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, कल या परसों कभी भी, आपको बता दूँगी, वीडियोज आती रहेंगी, देखते रहना चाइना हांगझो। बारिश हो रही है, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी वाली बारिश है, मतलब भीग सकते हैं, मज़ा आ रहा है। और ये थी वो जगह, मुझे नहीं पता क्या है ये, पर मैं पहले इसको वॉलमार्ट समझ बैठी थी गलती से। मुझे
वहाँ पे जाने के लिए कैब नहीं मिली। मेरे फ्रेंड ने ये जो है इसने मुझे बताया कि यहाँ पर कैब थोड़े कम है, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो हमने बस ली। इस बस में थोड़ा शोर हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि कितनी मेरी आवाज़ जा रही होगी। और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, फिर वहाँ से वापस। हेलो, अब मैं आ गई हूँ वापस अपने रूम में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। ये मैंने लिए हैं, ये कुछ स्मॉल ऐसे छोटी छोटी ब्रेड्स रहती हैं, ब्लूबेरी इसके अंदर फ्लेवर आएगा, ब्लूबेरीज इसके अंदर है तो वो बहुत अच्छे और थोड़ी सी मीठी मीठी, और मुझे मीठा काफ़ी पसंद है तो इसलिए मैंने ये लिया। ये आया है 7 RMB, 70 रुपये के अराउंड। और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है तो मैंने लिए स्निकर्स का एक पैकेट। आई लव चॉकलेट्स। ये भी कुछ अभी पता नहीं कितने का है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा टोटल सामान आया था 94 RMB, तो यहाँ के हिसाब से देखिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें 2 बोतल जूस की भी है जो अभी मैंने वहाँ एक फ्रिज है उसमें रख दी है, बाकी इसमें ओट्स है, ब्रेड, मिल्क, जूस, एप्पल्स, फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। और ये बहुत सारी इस तरह की फ्लेवर्ड ब्रेड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी, जब भी आपको भूख लगे आप मतलब शॉर्टम में खा सकते हैं इसको। तो इंडिया के हिसाब से देखो तो 94 यानी कि 940 रुपये के अराउंड कुछ है, उसके हिसाब से तो थोड़ा महंगा है लेकिन यहाँ के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो काफ़ी सस्ते और बहुत ही अच्छे बजट में मैंने खाने पीने की शॉपिंग करी है। ये थी मेरी आज की चाइनीज शॉपिंग और अच्छे बजट में मैंने शॉपिंग की है। तो आप भी लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इंग्लिश में नहीं लिखा है हर जगह चाइनीज। तो आपके फ़ोन में अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, गूगल ट्रांसलेट या VPN होना चाहिए, ठीक है, जिससे गूगल ट्रांसलेशन हमारा काम करेगा, उससे हम उसको स्कैन करके चाइनीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और मेरे पास तो एक चाइनीज़ फ्रेंड था, मुझे मिल गया था वो, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, जो भी सारा सामान है मैं उसकी हेल्प से ही ले पाई हूँ, बाकी बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया।